फ्रेंड्स मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं 2023. और आप सभी को ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिल चुकी है कि नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है अब आगे और डिटेल में नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें जो दी है वो हमको ध्यान रखनी है उसके बारे में हमें विस्तार से चर्चा करनी है किस तरीके से पेपर आएगा किस तरीके से ये लोग पूछेंगे सिलेबस और कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को इस एग्जाम में मिलने वाला है तो आइए चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल जी अन एकेडमी की तरफ से स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल चलाया जा रहा है जिसमें आपको फ्री स्पेशल क्लासेस मिलने वाली हैं ओनली ऑन दी अन एकेडमी एप पे साथ ही साथ यहाँ पर ये यह चलेगा कब तक यहाँ पर फोर्थ से सिक्स नवंबर तक ये पूरा आपका फेस्टिव सीजन जो भी कह लीजिए स्पेशल लर्निंग फेस्टिव सीजन पूरा फेस्टिवल जो है वो आपका यहाँ पर चलेगा एक तरीके से और यहाँ पर अगर हम देखेंगे बॉच्स इट इट फॉर यू चैट लाइव विथ टॉप एजुकेटर्स अटम्प इंटरेक्टिव पोल्स गेट योर डाउट्स क्लियर यानी आप पे अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं लाइव चैट कर सकते हैं और पोल्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और साथ ही साथ गेट योर डाउट्स क्लियर यानी आप अपने डाउट्स को भी वहां पर क्लियर कर सकते हैं तो सभी लोग जुड़ जाइएगा हमारे साथ स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल में आगे हम बात करते हैं अपने जो हमारा नोटिफिकेशन है उससे संबंधित एस टेट यहाँ पर बायलिंगुअल आपका होगा जो मीडियम होगा वो आपको मिलने वाला है साथ ही साथ यानी बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज पेपर जो है वो आपके यानी हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही आपको मिलेगा देन अगर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही आपको मिलेगा लेकिन बाकी आपको बाइलिंग यानी हिंदी और इंग्लिश पेपर आपको मोड मिलने वाला है साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे एस्टेट की वैलिडिटी की तो ये सेवन इयर्स की इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी यानी सेवन इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी भर्ती मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका रहेगा ऑफलाइन यानी आपका जो एग्जाम का मोड है वो आपका ऑफलाइन यानी ओ शीट आप जानते ही हैं ऑफलाइन रहेगा तो तो ओ एम आर सीट बेस रहेगा साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे एज की तो एज का इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया है आपकी एज लिमिट कोई नहीं दे, दे रखी है बहुत सारे लोग प्राइवेट्स में भी अप्लाई करने के लिए एस्टेट को क्वालिफाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे हमारे एग्जाम सेंटर्स की है ना कि एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा तो आपका एग्जाम सेंटर जो है वो आपका मैक्सिमम हरियाणा में ही रहेगा मतलब स्टेट में ही रहेगा लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा है कि बाहर भी पढ़ सकता है लेकिन मैक्सिमम कवर आपका यही रहेगा अप की स्टेट में ही रहे तो आगे देखते हैं ये रहा आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की तो देखिए बहुत लंबा चौड़ा आपका नोटिफिकेशन है सूचना पत्रक आगे चलते हैं यहां पे इसको पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे इसको पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे ये आपकी दी हुई है यहां पर आपकी फीस वगैरह से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं क्लियर तो पीस आपकी ओवरऑल शुल्क परीक्षा का शुल्क क्या रहेगा अगर हम बात करेंगे तो कितना शुल्क रहेगा अगर हम बात करें हरियाणा से बाहर के सभी उम्मीदवार यानी अनुसूचित जाति और दिव्यांग सहित यह पूरा आपका चौबीस सौ तीनों स्तर के लिए अगर दो स्तर तो 1800 अगर आपका केवल एक स्तर तो 1000 हजार देन अगर हम बात करेंगे हरियाणा आदिवास के अनुसूचित जाति और दिव्यांग को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए यानी जो जनरल कैटेगरी में आएंगे जो यहाँ पर अनुसूचित जाति और सिर्फ दिव्यांग को छोड़कर बात हुई है तो उनके लिए भी यहाँ पर रहेगी 2400 अगर वो तीनों स्तर का दे रहे हैं दो स्तर का दे रहे हैं तो अट्ठारह सौ और अगर यहाँ पर दे रहे हैं यहाँ पर एक का तो एक हजार देन अगर हम बात करें कि आप हरियाणा में ही रहने वाले हैं और यहाँ पर स्थायी निवास के अनुसूचित जाति और दिव्यांग उम्मीदवार हैं यानी जो हरियाणा के ही हैं और यहाँ पर अनुसूचित जाति के हैं और दिव्यांग हैं तो उनके लिए यहाँ पर कितनी पाँच सौ फीस है अगर एक स्तर के लिए दे रहे हैं दो स्तर के लिए दे रहे हैं तो नौ सौ रुपए है और अगर तीनों स्तर के लिए है तो बारह सौ है तो अब ये आपको जो पूरा यहाँ पर दे रखा है फीस का सम, फीस से संबंधित डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहां पर आगे क्लियर तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हैं वो आपको ऑनलाइन आवेदन प्रणाली प्रारंभ कब से है तीस दस दो हजार तेईस यानी आपकी जो है स्टार्ट हो चुकी है नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है यहाँ पर दस ग्यारह दो हजार तेईस आपकी लास्ट डेट दस ग्यारह दो हजार तेईस है साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि विवरण में अगर आपको कोई सुधार करना है तो यहाँ पे करेक्शन डेट भी इन्होंने दे दी है कि आप ग्यारह ग्यारह से यहाँ पर बारह ग्यारह तक आप इस, डे, इस डेट में आप करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई भी भूल चूक हुई है देन आगे हम बात करते हैं क्या दे रखा है महत्वपूर्ण यहाँ पर दे रखी है चीजें वही सबकी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ ऑनलाइन आवेदन कैसे करें संबंधी निर्देशों पर भी ध्यान दें और यहाँ पर उम्मीदवारों को एक स्तर स्तर एकाधिक के लिए केवल एक बार ही पंजीकरण करना चाहिए उम्मीदवार अपने विवरण फोटो हस्ताक्षर अंगूठे के निशान स्तर जाति श्रेणी शारीरिक रूप से निर्दिष्ट समय में सुधार संशोधन कर सकते हैं करेक्शन की बात हुई है यहाँ पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करना दिनांक या प्रवेश पत्र कब से डाउनलोड होने लगेंगे इन्होंने साफ साफ बताया है चौबीस ग्यारह दो हजार तेईस से आरंभ हो जाएगा प्रवेश पत्र तो आप देखिए आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो चौबीस ग्यारह यानी चौबीस नवंबर से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी हरियाणा टेट की मेन वेबसाइट पर आगे देखते हैं इन्होंने हेल्प नंबर वगैरह दे रखा है साथ ही साथ यहाँ पर क्रम संख्या और विषय जो है प्रॉपर इन्होंने दे रखे हैं यह आप लोग प्रॉपर देख सकते हैं साथ ही साथ आगे बात करेंगे यहाँ पर परिचय और ये इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सारा दिया हुआ है तो हम जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है तो देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे जस्ट एक सेकेंड रुकेगा बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने दे रखा है जी ये आपके मतलब का है तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर यहाँ पर आपका जो आपको बता ही दिया है कि पेपर का मोड जो है वो आपका ऑफलाइन ही होगा देन आपका ये ओवरऑल रिलेटेड है सी से इस बार इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है और ओवरऑल ये किससे रिलेटेड है आपका सी से रिलेटेड है अगर आपने सी दिया है तो कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पाएंगे ओवरऑल आपका सी का मोड है लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टेट में जो टेट होते हैं हरियाणा टेट जो है वो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है साथ ही साथ अगर हम बात करें आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल विकास, पूछा जाएगा। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये आपके प्रश्न इसमें तीस होंगे और अंक भी आपके तीस होंगे साथ ही साथ यहाँ पर भाषा से यानी लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर लैंग्वेज में आपके हिंदी और इंग्लिश आपको मिलने वाला है पंद्रह नंबर को आप पंद्रह नंबर की हिंदी आपको मिलेगी और इंग्लिश आपको पंद्रह नंबर की मिलेगी और यहाँ पर टोटल हो जाता है तीस और ये आपका तीस ही होगा साथ ही साथ इन्होंने क्या है। यहां पर, पर मात्रात्मक योग्यता दस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे तर्क क्षमता आपको दस एम मिलेंगे साथ ही साथ आपको हरियाणा जीके एवं जागरूकता के क्वेश्चन जो हैं वो दस मिलने वाले हैं और टोटल हो जाता है आपका थर्टी एम और ये भी आपका थर्टी अंक के ही होंगे साथ ही साथ आपका मैथ्स और यहाँ पर ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन ये आपके थर्टी थर्टी मार्क्स के ये भी आपके जो है सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने हैं और थर्टी थर्टी मार्क्स के होंगे यानी टोटल आपका पेपर जो है सेम सी टेड की तरह वन फिफ्टी मार्क्स का होगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलने वाली है तो यानी आप आराम से पेपर को पूरा करके आ सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे ये आपका दे रखा है पीआरटी का क्लियर यानी यहाँ पे अगर आप टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनकी इन सब्जेक्ट्स की, की जगह पे आपको जो आपका पर्सनल सब्जेक्ट है उसको चूज करना है अगर हम बात करेंगे यहां पर आपका टाइम मिलेगा ढाई घंटे सेम आगे हम बात करेंगे आगे हमारा क्या कह रहा है ये आपका सारा मैंने बता ही दिया है जितने भी आपको चीजें हैं अब आते हैं यहां पे जो मेन पॉइंट है आपका इस पे भी चलते हैं कि आखिर कितने परसेंट पे आपको पास माना जाएगा यहां पर तो यहां पर बात करेंगे अगर आप अंक योग्यता आपकी क्या है तो ये आपका बेस्ट पार्ट है अंक योग्यता कितनी है अनुसूचित जाति और दिव्यांगों को छोड़कर जितनी भी श्रेणियां हैं अनुसूचित जाति और यहाँ पर दिव्यांगों को छोड़कर जितनी भी श्रेणियां हैं सभी को सिक्सटी परसेंट लाना अनिवार्य है यानी नब्बे अंक अगर हम बात करेंगे हरियाणा आदिवासी हैं अगर यानी हरियाणा में ही आप रह रहे हैं स्थाई निवासी हैं और अगर अनुसूचित जाति हैं और दिव्यांग हैं तो उनके लिए पचपन परसेंट यानी एट्टी टू मार्क्स आपके अनिवार्य हैं यानी एट्टी टू वाला जो है वो पास माना जाएगा लेकिन आप सभी को ही पता है ये तो कि अन्य राज्य जो हैं वो अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो जनरल कैटेगरी में है ऑब्वियस ही बात है तो उनको तो 60 परसेंट ही लाने हैं लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अगर अन्य राज्य के भी हैं और अनुसूचित जाति हैं और दिव्यांग हैं अगर अनुसूचित जाति हैं और दिव्यांग हैं तो भी आपको 60 परसेंट ही लाना है यानी 90 अंक वहां पे आपको जनरल फाइट ही करनी होगी तो अब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी नकारात्मक अंक पहले ही बता चुके हैं कि कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा यानी कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं की जाएगी तो ये आप चीजें समझ गए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी की टी के लिए भी आपको ढाई घंटा ही आपको मिलने वाला है और टी टी के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो बाल विकास तीस नंबर भाषाएं हिंदी इंग्लिश तीस नंबर साथ ही साथ सामान्य अध्ययन जो भी है आपका हरियाणा जी के तर्क क्षमता मात्रात्मक योग्यता तीस नंबर लेकिन विकल्प के अनुसार विषय यानी हमसे वहाँ पर क्या पूछा जा रहा था वहाँ पे अभी अभी आपने देखा वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था ईवीएस और वहाँ पे पूछा जा रहा था आप देख सकते हैं यहाँ पर ईवीएस और मैथ तीस तीस नंबर का पूछा जा रहा था और यहाँ पर आपसे क्या आपसे एक विषय जो आपका विषय है मेन यहाँ पर टीजीटी के लिए जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं और इसके क्वेश्चन टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सिक्सटी मार्क्स के और साठ अंक के होंगे तो ये बहुत अहम रोल निभाएगा यहाँ पे टोटल आपका वन फिफ्टी मार्क्स का पेपर होगा आगे देखते हैं प्रश्नों की प्रकृति एवं मानक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित परीक्षा टेस्ट आइटम यहाँ पर 11 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के लिए शिक्षण सीखने के मनोवैज्ञानिक केंद्रित होगा वह विविधता छात्रों विशेषताओं आवश्यकताओं और मनोविज्ञानों को समझने शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने और सीखने के अच्छे सुविधा पर विशेषताएं और गुणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे ये सब इन्होंने दे रखा है साथ ही साथ यहाँ पे आपने दे रखा है फिर से वही आपका टोटल है जो टी अभी आपको पी के लिए जो बताया है कि कितने मार्क्स जो हैं वो आपके पासिंग पूछे जाएंगे तो ये आपके पासिंग मार्क्स टोटल वही सारी आपको चीजें दी हैं यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे स्तर तीन के लिए स्नातकोत्तर के लिए तो स्नातकोत्तर के लिए सेम वही है जो आपका उसमें माना गया था कि यहाँ पर आपका बाल विकास हिंदी इंग्लिश भाषाएं जो है फिफ्टीन फिफ्टीन मार्क्स की साथ ही साथ सामान्य अध्ययन और विकल्प के लिए विकल्प के अनुसार जो विषय विशिष्ट है आपके जो मेन जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये टोटल वही है आपका और आपका जो पासिंग मार्क्स जो आपको चाहिए हैं लेवल थ्री में भी वही सारे पासिंग मार्क्स हैं उसी से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखें ये आपका आ चुका है ये आपका आप आ चुका है कि यहाँ पर परीक्षा की तिथि आपको इन्होंने पहले से ही बता दी है कि हमारी परीक्षा जो है वो किस डेट में होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो और तीन दिसंबर को जो है वो आपकी परीक्षा होगी दो और तीन दिसंबर को आपकी परीक्षा होगी यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक महीना ही है अच्छे से यहाँ पर स्तर तीन दो और एक सभी स्तरों की परीक्षा की बात हुई है समय क्या है प्रवेश पत्र के अनुसार अभी प्रवेश पत्र की आपको डेट बता दी है कि 24 नवंबर को आपका जो है वो प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा तो इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है साथ ही साथ 150 मिनट्स के आपके जो हैं वो पेपर होंगे आप सभी जान चुके हैं पेपर डेट जो है वो दो और तीन दिसंबर रहेगी आगे बात करें यहाँ पर प्रश्न पत्रों की भाषा जो है आपको बता चुके हैं बाइलंगल होगा सुधार आप कर सकते हैं किस डेट को कर सकते हैं वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है सारी चीजें आप अपनी मेन वेबसाइट पे अगर हम बात करें कि उम्मीदवार जो है अध्यापक पात्र पर 2023 के लिए अध्यापक पात्र वेबसाइट जो है हमारी डब्ल्यू 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 डॉट टेट दो हजार तेईस डॉट माध्यम से दस दो हजार तेईस से दस ग्यारह दो हजार तेईस तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वही सारी चीजें आपको बताई गई हैं आगे बात करते हैं तो आपको जो मेन मेन पॉइंट थे पॉइंट थे वो आप सभी लोग यहां पर देख चुके हैं जितने भी आपको मेन मेन पॉइंट्स थे जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी बाकी तो सब आपकी जो फॉर्म फिलिंग के लिए जितनी भी चीजें हैं वो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से फिल भी कर दीजिए अब देखेंगे हम आगे ये सारा इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सूचना दी है तो आपको यहां पर अगर हम बात करेंगे आपको जो यहाँ पर है आपको मिलने वाली है पेडागोजी अगर आपने सी में अच्छे से तैयारी की है और अगर सी दिया है तो आप आराम से यहाँ पर पैडागोजी की आराम से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि देखिए अगर बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ पर पैडागोजी नहीं पूछता है लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ सिलेबस के साथ इन्होंने दे दिया है कि पैडागोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग पैडागोजी की वीडियोस वगैरह देख सकते हैं या फिर आप अगर प्रेफर करेंगे तो हरियाणा बुक्स क्योंकि जीके आ रहा है हरियाणा बुक्स आपको सारी पढ़नी है अगर हम बात करें लेवल के अकॉर्डिंग तो देख सकते हैं यहां पर लेवल वन की अगर हम बात करें लेवल टू की अगर हम बात करें और लेवल थ्री की अगर हम बात करेंगे तो लेवल वन में आप सभी को पता है कि डीएलएड अप्लाई कर सकता है है ना और यहां पर लेवल टू में आपका बी एड डीएलएड सभी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको क्या चाहिए है ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको जो आपकी ग्रेजुएशन चाहिए है और यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए है यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए है और यहाँ पर लेवल थर्ड में आपको पीजी चाहिए है पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए है और बाकी अगर बीएड और डीएलएड किया है तो जाहिर सी बात है आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए लेवल टू के लिए आपका बी एड डीएलएड और ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बुक्स की कि यहाँ पर आपको किस लेवल की बुक्स पढ़नी है तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेवल वन की तो आपका सिक्स टू एर्थ रहेगा अगर हम बात करेंगे लेवल टू की तो यहाँ पे आपका नाइन्थ से टेंथ रहेगा अगर हम बात करेंगे लेवल थर्ड की तो से ट्वेल्थ लेवल की आपको बुक्स जो हैं वो कवर करनी होंगी सब्जेक्ट वाइज तो ये रहा आपका ओवरऑल आपकी इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अपडेट के साथ धन्यवाद सभी को